हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इजी शॉर्ट्स ऑफ लर्निंग। आज का मेरा वीडियो इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर प्रोराटा अलॉटमेंट के ऊपर बेस्ड है। सो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अभी तक अकाउंटेंसी के जितने भी वीडियोज बनाए हैं उनके वीडियो लिंक्स शेयर करें, सो प्लीज गो थ्रू इट। स्टार्ट करते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट का, अपन एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ए लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। यहाँ पे एक कंपनी ने 20,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं और इशूड प्राइस है ₹10 फेस वैल्यू प्लस 10% प्रीमियम ₹1 का, तो ₹11 पे इशू करे हैं। 3 इंस्टॉलमेंट में कॉल कर रही है कंपनी। एप्लीकेशन मनी के टाइम पे ₹3, अलॉटमेंट में ₹5, 4+1 प्रीमियम के, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹3 कॉल कर रही है। 50,000 इक्विटी शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। अब पब्लिक ने एप्लीकेशंस दिए 50,000 शेयर्स के लिए और कंपनी ने इशू करे 20,000 शेयर्स, तो यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अलॉटमेंट कैसे करा कंपनी ने? टू रिफ्यूज अलॉटमेंट फॉर 10,000 शेयर्स। फर्स्ट 10,000 शेयर्स का अलॉटमेंट रिफ्यूज कर दिया और उनका पैसा पब्लिक को वापस से रिफंड कर दिया। एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स वॉज गिवन 2,000 शेयर्स। जो नेक्स्ट 10,000 शेयर्स थे उन एप्लीकेंट्स को 2,000 शेयर्स अलॉट कर दिए कंपनी ने। टू अलॉट द रिमेनिंग शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस, और जो बच गए शेयर्स, यहाँ पे 20,000 का अपन अलॉटमेंट कर चुके हैं जिसमें से 10,000 अपन ने रिजेक्ट कर दिए और 10,000 को अपन ने 2,000 अलॉट कर दिए, तो रिमेनिंग शेयर्स बच गए 30,000 और अपन ने 2,000 का अलॉटमेंट कर दिया आउट ऑफ 20,000, तो रिमेनिंग शेयर्स हो गए 18,000। तो 30,000 शेयर्स पे 18,000 शेयर्स कंपनी ने अलॉट कर दिए रेशियो वाइज प्रोराटा बेसिस पे। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वुड बी यूटिलाइज्ड इन द पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल। अब यदि कोई भी पैसा, एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करने के बाद, तो कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो अलॉटमेंट और कॉल में भी एडजस्ट कर सकती है। शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर्स ओनली पे एप्लीकेशन मनी। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 600 शेयर्स थे, उसने केवल एप्लीकेशन मनी पे कराए। अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर्स अनेबल टू पे कॉल मनी। दूसरा शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर्स थे, उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी पे कर दिया मगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं करा। ऑल शेयर्स आर फोरफिटेड एंड रीइश्यूड एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। अब यहाँ पे 600 प्लस 300 यानी टोटल 900 शेयर्स को कंपनी ने वापस से फोरफिट करके रीइश्यू कर दिया एट ए प्राइस ऑफ 10 प्लस 20% के प्रीमियम पे ₹12 पे रीइश्यू कर दिया। तो सबसे पहले अपन टेबल फॉर्मेशन समझेंगे। तो ये क्वेश्चन का समरी है। यहाँ पे कंपनी ने 20,000 इक्विटी शेयर इश्यू करे हैं एट द रेट ऑफ ₹10 + ₹1 के प्रीमियम पे। एप्लीकेशन मनी कॉल करा कंपनी ने ₹3, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹3। एक शेयर होल्डर जिसके पास 600 शेयर्स थे, उसने केवल एप्लीकेशन मनी दिया, ना तो उसने अलॉटमेंट दिया ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दिया। दूसरे शेयर होल्डर के पास 300 शेयर्स थे, उसने एप्लीकेशन मनी दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया मगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। और यहाँ पे टोटल 900 शेयर्स ने, शेयर्स को कंपनी ने फोरफिट कर दिया आफ्टर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एट ए प्राइस ऑफ ₹12। कंपनी ने शेयर्स का अलॉटमेंट करा, फर्स्ट 10,000 शेयर्स पे कंपनी ने कोई भी अलॉटमेंट नहीं करा, नेक्स्ट 10,000 शेयर्स पे कंपनी ने 2,000 शेयर्स का अलॉटमेंट कर दिया और जो रिमेनिंग 30,000 शेयर्स थे आउट ऑफ 50,000, उनको रिमेनिंग शेयर्स जो अपने अनअलॉटेड रह गए थे 20 में से 2,000 का अलॉटमेंट कर दिया था, बच गए 18,000, उनको रेशियो वाइज प्रोराटा वाइज अलॉटमेंट कर दिया 18,000 शेयर्स। तो सबसे पहले टेबल बनाते हैं अपन। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम होता है शेयर्स अप्लाइड, यानी कितने शेयर्स की एप्लीकेशंस आई, ये कॉलम नंबर ए हो गया, और कितने शेयर्स कंपनी ने अलॉट करे, ये कॉलम नंबर बी हो गया। अब जब अपन को मनी रिसीव होगा, तो एप्लीकेशन आई है तो एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है, तो यहाँ पे जितनी एप्लीकेशंस आई है उसको एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मनी रिसीव्ड में आ जाएगा ए इंटू थ्री। सबसे पहले कंपनी शेयर्स को, जो जिन शेयर्स को अलॉट करा है उसमें एप्लीकेशन मनी के अमाउंट को वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करती है, तो अब जितने भी एडजस्टमेंट करेंगे वो शेयर्स अलॉटेड से करेंगे, तो शेयर अलॉटेड जितने भी करें उसमें एप्लीकेशन मनी को अपन ₹3 को एडजस्ट करेंगे, वो चला जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो बी इंटू थ्री हो जाएगा।
एक्सेस अमाउंट बच जाएगा, तो अपन अलॉटेड शेयर्स को अपन अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई कर देंगे बी इंटू फाइव अलॉटमेंट मनी, और फिर भी यदि पैसा बच जाता है तो अपन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को एडजस्ट करेंगे बी इंटू थ्री, यानी शेयर्स अलॉटेड करा उसमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना ड्यू रहा है उसको एडजस्ट करेंगे, और इसके बाद भी यदि कंपनी के पास पैसा बच जाता है सारा अमाउंट रिसीव करने के बाद तो उस अमाउंट को कंपनी रिफंड कर देगी। तो सबसे पहली कैटेगरी आती है, यहाँ पे 10,000 शेयर्स पे कंपनी ने कोई भी अलॉटमेंट नहीं करा, तो यहाँ पे शेयर्स एप्लीकेशन आई 10,000 जिसमें से अलॉटमेंट कुछ भी नहीं हुआ है तो अलॉटमेंट हो गया निल। मनी रिसीव हुआ है 10,000 एप्लीकेशन आई कंपनी के पास और एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज है, तो टोटल मनी रिसीव हुआ कंपनी को 30,000। किसी में कोई एडजस्टमेंट अपन नहीं करा क्योंकि कोई भी शेयर्स अपन ने अलॉट नहीं करे और पूरा का पूरा 30,000 अपना रिफंड हो गया। नेक्स्ट कैटेगरी है, यहाँ पे 10,000 शेयर्स को कंपनी ने अलॉट कर दिए 2,000 शेयर्स, तो सेकंड कैटेगरी में अपन ने लिखा एप्लीकेशन आई कंपनी के पास 10,000 जिसमें से कंपनी ने अलॉट कर दिए 2,000। अब सबसे पहले कितना पैसा आया कंपनी के पास, नंबर ऑफ एप्लीकेशन आई थी 10,000 शेयर्स की और एप्लीकेशन मनी था एट द रेट ऑफ रुपीज 3, तो टोटल अमाउंट कंपनी को रिसीव हुआ 30,000। सबसे पहले अब अपन एप्लीकेशन मनी का अमाउंट ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड है 2,000 और एप्लीकेशन मनी है एट द रेट ऑफ रुपीज 3, तो 6,000 अपना शेयर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। नेक्स्ट आता है, अब कंपनी को रिसीव हुआ था 30,000 और यहाँ पे शेयर कैपिटल में अपन ने ट्रांसफर कर दिया 6,000, तो अपने पास अमाउंट बच गया 24,000। नंबर ऑफ शेयर्स है 2,000 अपन ने अलॉट करे और अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा है 5 रुपीज के हिसाब से 10,000, तो सफिशियंट अमाउंट है अपने पास 24 है और अपन को 10,000 चाहिए अलॉटमेंट मनी, तो यहाँ पे अपन ने 10,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया। अब अपने पास 24,000 में से अपन ने अलॉटमेंट मनी लेस कर दिया 10,000, तो अपने पास अमाउंट बच गया 14,000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी आराम से एडजस्ट कर सकते हैं अपन 2,000 शेयर्स पे, तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट करे 2,000 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी है एट द रेट ऑफ रुपीज 3 6,000, तो पूरा का पूरा एडजस्ट हो सकता है। तो 14,000 में से अपन ने 6,000 लेस कर दिया, तो अपने पास अमाउंट बच गया था 14,000 माइनस 6,000। अब अपने पास रिमेनिंग अमाउंट है 8,000 सारा एडजस्टमेंट करने के बाद, तो इस पैसे को अपन रिफंड कर देंगे वापस पब्लिक को, तो 8,000 हो गया रिफंड। नेक्स्ट कैटेगरी है, यहाँ पे 30,000 शेयर्स को अपन ने अलॉट करा 18,000 शेयर्स, तो यहाँ पे एप्लीकेशन आई 30,000 शेयर्स की, अपन ने अलॉट करे 18,000। अब मनी कितना रिसीव हुआ, नंबर ऑफ एप्लीकेशन 30,000 और एप्लीकेशन मनी अपन को रिसीव हुआ था एट द रेट ऑफ रुपीज 3, तो यहाँ पे 90,000 अमाउंट अपन को रिसीव हुआ। सबसे पहले अपन एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल में करेंगे, तो अलॉटमेंट करा था अपन ने 18,000 शेयर्स का और एप्लीकेशन मनी था एट द रेट ऑफ रुपीज 3, तो टोटल अपन शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे 54,000। अब यहाँ पे अपने पास है 90,000 जिसमें से अपन ने शेयर कैपिटल में भेज दिया 54,000, तो अब अपने पास कितना बच गया 36,000 रुपीज अपने पास बच गए। मगर अपन 18,000 इंटू अलॉटमेंट मनी 5 रुपीज करते हैं तो 90,000 की रिक्वायरमेंट है, तो पूरा एडजस्टमेंट नहीं हो सकता, तो जितना पैसा बचा है वो अपना अलॉटमेंट में चला जाएगा, तो यहाँ पे अलॉटमेंट में अपन ने एक्सेस अमाउंट भेज दिया 36,000। कोई भी पैसा नहीं बचा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कुछ एडजस्ट नहीं करेंगे और ना ही कोई पैसा अपन रिफंड करेंगे। अब सबसे पहले अपन टोटल देख लेते हैं, टोटल एप्लीकेशंस कंपनी को रिसीव हुई थी 50,000 शेयर्स की जिसमें से कंपनी ने अलॉट करे 20,000, मनी रिसीव हुआ 30+30+90, तो टोटल अमाउंट रिसीव हुआ 1,50,000 जिसमें से शेयर कैपिटल में अपन ने ट्रांसफर कर दिया 60,000, शेयर अलॉटमेंट में अपन ने एक्सेस मनी एडजस्ट करा 46,000, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में अपन ने एडजस्ट करा 6,000 और जो पैसा एक्सेस अमाउंट था वो अपन ने रिफंड कर दिया 38,000। सबसे पहली एंट्री करते हैं अपन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो यहाँ पे टोटल मनी अपन को रिसीव हुआ था 1,50,000, तो एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट
1,50,000। अब 1,50,000 अपन को रिसीव हुए, अपन ने टेबल बनाया उसके अकॉर्डिंग, फिर भी यदि अपन क्रॉस चेक करना चाहें तो टोटल एप्लीकेशंस अपन को रिसीव हुई थी 50,000 शेयर्स की, और एप्लीकेशन मनी अपन कॉल कर रहे थे 3 रुपीज के हिसाब से, तो ये भी अपना 1,50,000 होता है। अब 1,50,000 में अपन ने 60,000 शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, 46,000 एक्सेस अमाउंट अपन ने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट करा 6,000, और रिमेनिंग अमाउंट अपन ने रिफंड कर दिया। तो एज इट इज टेबल से अपन देखेंगे अपनी सेकेंड एंट्री ट्रांसफर एंट्री, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को अपन ने क्रेडिट करा है फर्स्ट एंट्री में, जब ट्रांसफर करेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा और एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टोटल अमाउंट अपन ने डेबिट कर लिया 1,50,000। सबसे पहले अपन इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने इश्यू करे थे 20,000 और एप्लीकेशन मनी था एट द रेट ऑफ ₹3, तो 20,000 × 3 करते हैं तो 60,000 अपना शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट है शेयर अलॉटमेंट में अपन ने एक्सेस अमाउंट एडजस्ट करा 46,000, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में अपन एडजस्ट करेंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 6,000, और एक्सेस अमाउंट जो अपन को बच गया वो अपन रिफंड कर देंगे बैंक के थ्रू और एंट्री हो जाएगी टू बैंक अकाउंट 38,000। तो ये अपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड और ट्रांसफर की एंट्री होगी। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं अपन, नेक्स्ट है अपना अलॉटमेंट मनी ड्यू और अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो सबसे पहले ड्यू की एंट्री कर लेते हैं। अब अपने पास नंबर ऑफ शेयर्स है 20,000 और अलॉटमेंट मनी अपन ड्यू कर रहे हैं एट द रेट ऑफ ₹5, तो टोटल अमाउंट अपना ड्यू हुआ कंपनी का 1,00,000। तो एंट्री करेंगे जब अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं तो डेबिट करते हैं इंस्टॉलमेंट को, एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स है 20,000 और कैपिटल अकाउंट में 4 रुपीज के हिसाब से जाएगा तो 80,000 तो इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, और बचा हुआ पैसा अपना प्रॉफिट है जो सिक्योरिटी प्रीमियम पे अपन ने लिया है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 20,000 × 1, 20,000 अपना सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर हो गया और टोटल अमाउंट ड्यू हुआ अपना अलॉटमेंट 1,00,000। अब यहां पे अमाउंट ड्यू हो गया अपने पास, ड्यू करा अपन ने 1,00,000। सबसे पहले देखते हैं कितने शेयर होल्डर्स ने अपन को अलॉटमेंट मनी का पेमेंट नहीं करा, तो यहां पे 600 शेयर्स है जिसपे अलॉटमेंट मनी का पेमेंट अपन को नहीं मिला है। और सेकंड एंट्री में अपन ने अलॉटमेंट मनी एडवांस में एडजस्ट कर लिया 46,000, तो सबसे पहले इसको लेस करेंगे, जो एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट मनी अपन को मिला है तो अपन ने लेस कर दिया अमाउंट पेड विद एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट का अमाउंट मिला 46,000, तो अपन ने लेस कर दिया 46,000। अब अपने पास कितना अमाउंट ड्यू चल रहा है कंपनी के पास, अभी 54,000। अब ये 54,000 में से 600 शेयर्स ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा, तो अपन लेस कर देंगे नॉट पेड, नंबर ऑफ शेयर्स है 600 और अलॉटमेंट ऑफ मनी अपन कॉल कर रहे हैं एट द रेट ऑफ ₹5, तो टोटल ड्यू हो रहा है अपना 3,000। अब यहां पे अपन ने ये जो 46,000 एडवांस दिया है इसमें 600 शेयर्स का भी एडवांस होगा, तो सबसे पहले टेबल देखते हैं। यहां पे 200 शेयर्स जो अपन ने अलॉट करे थे उस पे अपन को सारा पैसा मिल चुका है अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, मगर ये जो 30,000 शेयर्स जिनको अपन ने 18,000 शेयर्स अलॉट करे थे इसमें अपन को टोटल अलॉटमेंट मनी नहीं मिला है। तो ये जो 600 शेयर्स है ये थर्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, और यहां पे 18,000 शेयर्स का जो एडवांस मनी है वो है ₹36,000, इसमें 600 शेयर्स का भी एडवांस है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कितना एडवांस है, तो एडवांस मनी जो उसने एप्लीकेशन के साथ पे कर दिया उसको अपन लेस कर देंगे यहां पे, तो यहां पे टोटल एडवांस अपन को रिसीव हुआ 36,000। ये है 18,000 शेयर्स का एडवांस और अपन को फाइंड आउट करना है 600 शेयर्स का कितना एडवांस है, तो यहां पे 600 शेयर्स का एडवांस हो गया ₹1,200 जो अपन ने 3,000 में से लेस कर दिया। तो शेयर होल्डर ने कितना पे नहीं करा 600 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी, 1,800।
जो यहाँ पे अपन ने 54,000 में से लेस कर दिया, तो कितना पे कर दिया शेयर होल्डर ने, 52,200। तो एंट्री हो जाएगी अलॉटमेंट मनी रिसीव की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 52,200। नेक्स्ट है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे और फिर रिसीव करेंगे। तो यहां पे अपने फर्स्ट अमाउंट ड्यू हो रहा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नंबर ऑफ शेयर्स है अपने पास 20,000 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे अपन कॉल कर रहे हैं एट द रेट ऑफ रुपीज 3 पर शेयर। तो टोटल अमाउंट अपन कॉल कर रहे हैं 60,000। तो एंट्री हो जाएगी अपनी ड्यू की शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स है 20,000 इंटू 3, तो 60,000 से अपना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू हुआ। नेक्स्ट अब अपन कितना अमाउंट अपन ने रिसीव करा, तो यहां पे 600 शेयर्स ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया और 300 शेयर्स ने भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। तो टोटल 900 शेयर्स पे अपन को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, तो अपन लेस कर देते हैं। सबसे पहले सेकंड एंट्री देते हैं, कोई भी एडवांस अपन को रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे 6,000 रुपीज अपन को रिसीव हुआ है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको लेस करेंगे अपन, तो लेस अमाउंट पेड विद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट अपन को रिसीव हुआ 6,000 रुपीज। तो 6,000 अपन ने लेस कर दिया 60,000 में से, तो अब अपने पास बच गया 54,000। शेयर होल्डर्स थे 600 प्लस 300 900, तो कितने शेयर होल्डर्स ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, 900 शेयर्स, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था 3 रुपीज के हिसाब से 2700। तो 2700 अपन लेस कर देंगे, तो कितना अमाउंट अपन को रिसीव हो गया 51,300। और एंट्री हो जाएगी अपनी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 51,300। अब इतना अमाउंट अपन को रिसीव हो गया। अब अपन करेंगे फोर फीचर की एंट्री। यहां पे सारी कॉल अलॉटमेंट और कॉल की एंट्री अपन ने कर ली, अब अपन शेयर की फोर फीचर की एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले दो कैटेगरीज है अपने पास, एक तो 600 शेयर्स है जिनको अपन को फोरफिट करना है और दूसरे हैं अपने पास 300 शेयर्स जिनको फोरफिट करना है। तो जब भी अपन फोर फीचर की एंट्री करते हैं, सबसे पहले अपन ये देखते हैं, अपन कभी भी शेयर इशू करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और जब शेयर्स को कैंसिल करते हैं, शेयर्स को फोरफिट करते हैं, तो उसको डेबिट करते हैं कॉल्ड अप अमाउंट से। तो यहाँ पे कॉल्ड अप अमाउंट है अपना पूरा 10 रुपीज, सारी कॉल अपन ने कॉल कर ली, तो इंटू 10 करेंगे तो 6,000 तो आ गया, 600 शेयर्स का कॉल्ड अप अमाउंट और 300 शेयर्स का कॉल्ड अप अमाउंट है 10 रुपीज के हिसाब से 3,000। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे और एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 से। तो इसको अपन ने कैंसिल कर दिया शेयर्स को और डेबिट कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल को, और 300 शेयर्स पे अपनी एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000। तो यहाँ पे अपन ने शेयर्स को कैंसिल कर दिया। अब सबसे पहले देखते हैं ये जो 600 शेयर्स है, इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया था, मगर क्या इसने प्रीमियम का अमाउंट दे दिया था क्या अलॉटमेंट के साथ में? तो यहाँ पे अपन को अलॉटमेंट मनी का एडवांस रिसीव हुआ था 1200 रुपीज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स है 600 और प्रीमियम अमाउंट है रुपीज 1 के हिसाब से 600 रुपीज। तो ये जो 1200 रिसीव हुआ, इसके अंदर प्रीमियम अमाउंट भी रिसीव हो गया था। तो जब कंपनी को प्रीमियम अमाउंट रिसीव हो जाता है, सबसे पहले कंपनी प्रीमियम को एडजस्ट करती है, फिर इंस्टॉलमेंट को एडजस्ट करती है। तो यहाँ पे 600 रुपीज कंपनी प्रीमियम अमाउंट में भेज देगी, वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा। तो अपन जब भी शेयर्स को कैंसिल करेंगे तो प्रीमियम रिसीव हो चुका है, तो अपन फोर फीचर का कौन सा केस है ये, व्हेन प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव्ड। और जब प्रीमियम अमाउंट रिसीव हो जाता है तो अपन इसको कंसीडर नहीं करते फोर फीचर के टाइम पे।
तो यहां पे अपन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, अब अपन क्रेडिट करते हैं उस इंस्टॉलमेंट को जो शेयर होल्डर ने पे नहीं करी। तो शेयर होल्डर ने 600 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा, और यहां पे अपन वर्किंग नोट में देख लेते हैं अलॉटमेंट मनी जो पे नहीं करा वो है 1800, तो यहां पे क्रेडिट हो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1800 अलॉटमेंट का पे नहीं करा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पे नहीं करा एट द रेट ऑफ ₹3, तो यहां पे आ जाएगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स है 600 और फाइनल कॉल अपना है ₹3 के हिसाब से 1800, और जो शेयर होल्डर ने पे कर दिया वो कंपनी फोरफिट कर लेती है और एंट्री हो जाती है टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, और यहां पे शेयर होल्डर ने पे कर दिया 2400 बैलेंसिंग वैल्यू। नेक्स्ट 300 शेयर्स पे शेयर होल्डर ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं करा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अमाउंट दे चुका है शेयर होल्डर, तो यहां पे आ जाएगा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, नंबर ऑफ शेयर है 300 और फाइनल कॉल एट द रेट ऑफ ₹3 900 आ जाएगा जो शेयर होल्डर ने पे नहीं करा, और जो पे कर दिया वो चला जाएगा शेयर फोरफीचर अकाउंट में टू शेयर फोरफीचर अकाउंट 2100। अब यहां पे दोनों शेयर्स को अपन ने फोरफिट कर लिया, अब उसके बाद ये जो 900 शेयर्स है इसको कंपनी रीइश्यू कर रही है एट ए प्राइस ऑफ ₹12, यानी ₹2 के प्रीमियम पे रीइश्यू कर रही है। तो सबसे पहले अपन रीइश्यू की एंट्री कर लेते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स है 900, 300 प्लस 600, और कंपनी रिसीव कर रही है ₹12 के हिसाब से, कंपनी को अमाउंट रिसीव होगा 10,800, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो अपन बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 10,800 से। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल को अपन क्रेडिट कर देते हैं इश्यू करते टाइम, तो नंबर ऑफ शेयर्स है 900 और फेस वैल्यू ₹10 है, तो 9000 अपना इक्विटी शेयर कैपिटल में चला जाएगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम क्योंकि अपना प्रॉफिट है तो उसको अपन क्रेडिट कर देंगे 900 इनटू ₹2, तो यहां पे आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर 1800, तो यहां पे अपन ने रीइश्यू कर दिया। अब शेयर फोरफीचर में अपने पास बैलेंस है, सबसे पहले अपन ने 600 शेयर्स को जब फोरफिट करा था तो अपने पास बैलेंस था 2400, और 300 शेयर्स को फोरफिट करा तो बैलेंस आ गया 2100, तो 2400 प्लस 2100, तो टोटल बैलेंस अपने पास शेयर फोरफीचर अकाउंट में आ गया 4500, क्योंकि अपन ने रीइश्यू कराए शेयर्स को प्रीमियम पे, इसका मतलब है अपने शेयर फोरफीचर का अमाउंट बिल्कुल यूज नहीं करा, तो अपन शेयर फोरफीचर को डेबिट कर देंगे और अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, और अपनी एंट्री हो जाएगी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 4500। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन ने देखा प्रोराटा अलॉटमेंट के केस में अपन टेबल फॉर्मेशन कैसे करते हैं और शेयर्स की एंट्री कैसे करते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।